दोस्तों, जो मेरे हाथ में आप ये खाद देख रहे हैं, ये कृषि जगत की बड़ी बेहतरीन खाद है। इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये खाद इतनी अच्छी है कि जो पौधा है बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है इससे। इसे आप पौधों में इस देखिए इस तरीके से डाल दें, बस काफ़ी, इतनी इतनी काफ़ी है इसके लिए। इस तरीके से डाल दें और इसमें पानी डाल दें। ये जो खाद है इससे ग्रोथ ऐसी पकड़ता है पौधा इसमें, क्योंकि जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरॉन, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और जितने आम न्यूट्रिएंट हैं वो सब पाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें अभी भी वर्मी जो हैं, अर्थवॉर्म होते हैं जो, वो हैं अभी भी दिख रहे हैं। देखिए, ये अर्थवॉर्म की वजह से जो है एयर सर्कुलेशन बना रहता है, और ये खाद भी इसी से तैयार होती है। ये अर्थवॉर्म इसमें भी हैं। इसको बनाने की मैं आपको एक विधि बताता हूँ जो बहुत सरल है और आज तक किसी ने नहीं बताई ऐसी विधि। इसी विधि से मैं तैयार करता हूँ और कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर ये खाद तैयार हो जाती है, और उसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए देखिए, आपको चाहिए ये जो किचन वेस्ट है, देखिए ये आलू के छिलके हैं, ये मूली के हैं, ये गोभी है, ये प्याज के छिलके हैं, ये सब किचन वेस्ट आपको चाहिए। और इसके साथ आपको अगर इसमें ये मिला दे तो और बढ़िया। ये देखिए, ये अंडे के छिलके हैं, XL कहते हैं इनको। ये अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसे नहीं भी मिलाएंगे तो चल जाएगा। कैल्शियम की कमी आप जो पौधों में होती है वो दूर करने के लिए आप चॉक मिला सकते हैं, जिससे हम बचपन में लिखा करते थे चॉक, वो भी मिला सकते हैं। एक चॉक का टुकड़ा काफ़ी है। और देखिए, इसमें केले के छिलके हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इससे जो खाद बनती है बहुत बेहतरीन होती है, वो पौधों में ऐसी ग्रोथ देती है कि आप खुद चौंक जाएंगे देख कर कि यार पौधों इतनी जल्दी बढ़ी है। इसमें आप केले के छिलके, चाय पत्ती भी है, देखिए चाय पत्ती में भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसको आप फूलों के उसमें भी यूज कर सकते हैं, जो चाय पत्ती होती है फूलों में भी यूज कर सकते हैं। इसको मिलाएंगे इसमें, और इसमें देखिए कुछ ये जो पत्ते हैं, ये आपको आसपास कहीं भी कोई पेड़ पौधों से पत्ते हैं, ये थोड़े ये मिला लेंगे, इतने काफ़ी हैं, ये पत्ते मिला लेंगे इसमें। मैंने देखिए, ये दाल का ये छिलके बचे थे, हमने कोई आइटम बनाया था घर में, उसके छिलके बचे थे, ये दाल के छिलके। इसमें भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, जिंक, पोटेशियम, नाइट्रोजन सब होता है, वो पौधों के काम आ जाता है, ये आप मिला सकते हैं इसमें। और ये देखिए, ये बचे हुए चावल हैं, लेकिन पका हुआ कोई चीज़ न मिला है इसमें, पकी हुई चीज़ नीचे। चावल चल जाएंगे, चावल जो हैं सादे होते हैं, चावल से तो जो है कीटनाशक भी तैयार करते हैं, चावल काम आ जाते हैं इसमें। इसको देखिए, अब हम क्या करेंगे आगे। एक जाल लिया, इसको हम जो है ये सब मिलाकर बारीक जो है पीस लेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ पीसने के बाद इसका जो आता है मटेरियल कैसा होता है। ये देखिए, मैं ये पीस के लाए हैं, ये कैसा लग रहा है देखिए, बिल्कुल बहुत ही गाढ़ा हो रहा है। ये मैंने पीसा इसलिए है, कई लोग बोलते हैं कि काट के डालिए, काट के जो होता है जल्दी बन जाती है खाद। मैंने पीसा इसलिए है और फास्ट करने के लिए। ये खाद आपकी 15 दिन में, 15 से लेकर 20 दिन में तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है पिसा हुआ है सब, जो अर्थवॉर्म वगैरह जो इसको विघटन करने के लिए होते हैं, डिकम्पोज कर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो है उनको बारीक मिलेगा तो ये जल्दी विघटित हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ और मिलाएंगे, इसमें एक गुड़ मिलाएंगे, गुड़ गुड़ की जो जितना पुराना गुड़ हो करीब आप मिला दीजिए उसमें, 50 ग्राम गुड़ गुड़ मिलाएंगे, और थोड़ा सा दही। दही जो है खाद बनने की प्रक्रिया जल्दी करता है, इसलिए दही का यूज भी करना है इसमें। आप थोड़ा दही मिलाएंगे और आप इसको, मैंने तो देखिए जैसे इसमें रखा है, ये एक घड़ा है, ये घड़ा हमारा पुराना रखा हुआ था, इसी में मैंने खाद बनाई है पहले, देखिए इसमें बना के रखी हुई है, जो अब ख़त्म हो चुकी है, उसके थोड़े से अंश बचे हैं उसी में इसको हम, इसको इसमें डाल देंगे, इस तरीके से खाली कर देंगे पूरा। ये इतनी ज़बरदस्त खाद बनती है, आप एक बार ट्राई करके देखना, 15-20 दिन के अंदर आपकी जो है खाद तैयार, और फटाफट तैयार, और आप पौधों में यूज कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है इसका, मैं आपको इसका रिजल्ट अभी दिखाऊंगा। ये जैसे हमने इसमें खाली कर दी, इसमें थोड़ा सा हम जो है अपने जो हिसाब से मिट्टी मिला देंगे, इसको भर भी सकते हैं आधा, इसमें मिट्टी मिलाकर इसको, तो उसमें दही डाल दिया मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको पानी, हल्का पानी डाल के इसमें मॉइस्चर बने रहना चाहिए, पानी डाल के इसको पूरा कपड़े से बंद कर देंगे।
इसको पूरा कपड़े से अगर बंद करेंगे तो उसमें एयर सर्कुलेशन भी बना रहेगा और जो मक्खियाँ वगैरह जो कीड़े होते हैं वो उसमें नहीं लग पाएंगे। और इसको करीब आप 2-3 दिन में हिलाते रहिए, जिससे कि जो कार्यक्रम है कीड़ों का खाने का इनको, वो जल्दी हो सके। इसको हिलाते रहिए और किसी छायादार जगह पर रख दीजिए ढककर, या आपकी जो ये खाद है ऐसी तैयार हो जाएगी बिल्कुल। ये थोड़ा सा छान के रखिए, मैंने छान के रखिए, छान के दोबारा जो बचेगा आइटम उसको दोबारा इसमें डाल के दोबारा से हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसको अपने जो पौधों में डाल लगे उसकी उनकी ग्रोथ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें खाद ऐसे करके, इतनी खाद एक पौधे के लिए पर्याप्त है 15 दिन के लिए। ये खाद ऐसे ऐसे करके आप डाल देंगे इसमें, ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये पौधे को मिल जाएंगे। देखिए मेरे जो बैंगन के पेड़ लगे हैं, ये मैंने खुद बीज से उगाए हुए हैं, देखिए कितनी ग्रोथ कर ली है इनने। ये जो ये खाद डाली थी इसी का असर है। यहीं देखिए, ये टमाटर का पेड़ है, ये करीब 1 महीना हो रहा है और ग्रोथ पकड़ लिया, उसमें फूल भी आने लग गए हैं। देखिए ये देखिए, फूल आने लग गए हैं और इसमें बहुत जल्द टमाटर से लग जाएगा ये पेड़। ये देखिए फूल आ रहे हैं इसमें। इसमें आप चाहें तो ये बरगद के जो पेड़ है उसकी मिट्टी भी मिला सकते हैं जो खाद बनाने की प्रक्रिया के लिए। ये मेरे पास एक बरगद का पेड़ है, करीब 2 साल पुराना है, इसकी मिट्टी भी मैं बीच बीच में इसमें डाल देता हूँ, जिससे कि इसमें भी काफ़ी कीटाणु ऐसे होते हैं जो खाद बनाने की प्रक्रिया को जल्दी कर देते हैं। तो आप एक बार इसको यूज करके आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसा रिजल्ट रहा।